पाजी आज आपके मैदान से तीन शेर आ रहे हैं, ठोको ताली वाले नहीं, हाँ दूसरे क्रिकेट वाले। ओ मैं आप सबको बता दूं, एक तो वो धमाकेदार बल्लेबाज हैं जो चौको शक्को में बात करते हैं, और बाकी दो कमाल के ऑलराउंडर हैं, बल्ले से आतिशबाजी तो करते करते हैं, गिल्लियां भी उड़ा देते हैं, ठोको कर देते हैं। ठोको तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा धमाकेदार बल्लेबाज शिखर धवन और ऑलराउंडर सुरेश रैना एंड हार्दिक पांड्या। आप तीनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। और चारों हमारी जो बहू बेटियां आई हैं पूरे आईपीएल में, ये बहुत नाची हैं बेचारी, आज यहां पे भी थक गई हैं। गर्ल्स पेमेंट ओके डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गर्ल्स। जी पाजी, छक्के छुड़ा देते हैं गेंदबाजों के, धज्जियां उखाड़ देते हैं, ये जो जमीन से शॉट मारे आसमान फाड़ देते हैं, खेलते हैं देश की आन बान शान के लिए ये हीरो, और अपने जोशो जनून से जीत का तिरंगा गाड़ देते हैं। वाह, हार्दिक शिखर सुरेश, आप तीनों को आपकी तमाम अचीवमेंट्स के लिए ढेर सारी मुबारकबाद, और आपकी टीम तो अभी भी आईपीएल फाइनल जीती है। अभी मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे पार्टी से ही आ रहे हैं आप। आइए, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज वेलकम। अरे मैं ऐसे ही क्यूरियोसिटी से ही पूछ रहा था, मैंने कहा जैसे ये अंबानी वगैरह के घर में पार्टी होती है, नॉर्मल सब्जियां होती है कि डायमंड करी वगैरह बनाते हैं ये लोग, होता है कभी? नहीं, कभी लगती है, उनका चम्मच का कलर भी गोल्डन है, तो कभी कभी क्वेश्चन खुद हो जाता है कि एक्चुअली सोने की तो नहीं है ना, वो भी बहुत बार होता है कि एक डाल दो और फिर चलो बोलते चलो थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। नहीं पर मुझे सिद्धू भाजी एक बार कह रहे थे, कहते गुरु जे जो अंबानी है ना इनके घर में जो पनीर काठी रोल होता है वो भी 500 के नोट में बनता है, पता नहीं ये सच्चा है कि नहीं सच्चा। अच्छा नहीं ऐसे ही भाजी, रैना ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट जो है 2020 हो गया, वन डे हो गया, टेस्ट, उसमें सेंचुरीज मारी हैं, और वीरू भाजी के बाद अगर कोई ओपनर आया है जो सबसे ज्यादा बॉलर्स को ठोकता है वो है शिखर, और हार्दिक तो ऑलराउंडर है ही। अच्छा आपने लेकिन जब शुरुआत की थी अपने करियर की भाजी आप दोनों, तो पहले पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे, उस समय आपने कभी सोचा था कि आपको एक ऐसे महान क्रिकेटर के सामने बैठने का मौका मिलेगा जो खुद 1990 में 0 पे आउट हुआ है? पाजी वो एक आध मैच में होता है फिर क्या हुआ, इसके बाद तो अपने अबे तेरा मेरे 0 ही दिखते हैं, तुझे 100 नहीं दिखते मेरे। नहीं मैं याद रख, 0 मैथमेटिक्स का हीरो है जी, 10 के इधर लगा दिया तो कुछ नहीं, लेकिन 10 के आगे लगा दिया तो 99 का फर्क डाल देता है, समझा? छोटी छोटी चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है, किसी अप्सरा की गाल पे छोटा सा तिल हो ना उसकी सुंदरता को चार चार बात करता है तू। हमने तो देखा नहीं ज्यादा अप्सरा को करीब से, इसलिए आइडिया नहीं है। मैं तो स्वर्ग का टिकट कटा रखा है, रोज ही मिलता हूं उनको, हेलो अप्सरा हाउ आर यू। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, मिसेस शिखर धवन भी यहाँ पे है और ये ऑस्ट्रेलिया से है, और इनका बड़ा ही प्यारा बेटा जोरावर, जोरावर भी छोटा बैठा हुआ है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पता है मेरा पापा स्टार है मुझे क्या लेना देना। अच्छा सबको पता है कि शिखर को गब्बर बोलते हैं टीम में, कभी हमने सुरेश पाजी आपसे पूछा नहीं ना, हार्दिक आपसे मुलाकात है आज पहली बार हो रही है, आपको क्या किस नाम से बुलाते हैं टीममेट्स? सर सोनू है मेरा नाम तो निकनेम, सुरेश रैना लगता है कि जब आते हैं सुरेश रैना धड़ाधड़ बल्लेबाजी करें, सोनू लगता है कि सोनू आया है, सोनू तो स्वीट सा है, सोनू अच्छा बड़ा क्यूट है। और हार्दिक आपको क्या बुलाते हैं टीम में? तो काफी सारे नाम है लेकिन एक मुझे जो पसंद है जो बुलाते हैं वो हैरी है, जो वो थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक है, बाकी तो ऐसे नाम है कि नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे। शिखर आपको इसलिए तो नहीं गब्बर बुलाते कि आप ये जो आईपीएल की बसंतियां होती जो अभी चार आपके साथ भी आई थी, जी। ये बड़ा नाचती हैं जब आप चौके छक्के मारते हो, इन्होंने कभी बोला नहीं भाई थोड़ा आराम से किया करो हमारा भी? गब्बर मेरे को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जब मैं रणजी ट्रॉफी में खेला करता था, अभी भी खेलता हूँ रणजी ट्रॉफी, तो सिली पॉइंट पे बैठे होते हैं, अब दूसरी टीम की पार्टनरशिप लगी तो लड़के काफी डाउन हो जाते हैं उस वक्त, कोई आवाज नहीं निकाल रहा होता, तो हमारा टीम का रहता कि भी बोलते रहना, तो मैं सिली पॉइंट पे बैठा हूँ, बॉलर वहां से डाल रहा और मैं बॉल डाली, मैं ऐसे बैठे बैठे बहुत ध्यान आना है ये सुअर के बच्चों, इसी तेज चिल्लाता सारे ग्राउंड में, फिर बाहर से मेरे कोच ने मेरा नाम गब्बर डाल दिया, एनर्जी बनी रहती है, एनर्जी एक हंसी मजाक रहता है। पर जब कोई भी मैच में विकेट गिरती है तो प्लेयर्स एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं, एक दूसरे को चीयर्स करते हैं, सुरेश आपको मैंने देखा बाल खींचने लगते हैं लोगों के।
ये शादी के बाद सीखा है आपने? नहीं नहीं सर, पहले से ही करते थे एक्चुअली। हम लोग साथ में खेलते थे, कुछ प्लेयरों के बाल होते हैं अभी चेंज हो गया है, किसी के नहीं होते हैं। कटवा दिए कि ये बाल खींचते हैं? नहीं, तो मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हम लोग चेन्नई का एक मैच खेल रहे थे आईपीएल का, तो डगी बॉलिंजर एक बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, तो वो बॉलिंग कर रहा था, उसने शायद सौरव गांगुली का आउट किया था, तो जब उसके पास गए सेलिब्रेशन करने के लिए तो मैंने उसके बाल खींचे, तो पाजी वो सब भारी आ गया, नकली बाल। मुझे पता ही नहीं था। अभी मलिंगा के बाल तो नहीं खींचे आपने? नहीं, मलिंगा के साथ खेले नहीं सर, कंट्री के लिए खेले। खींचने मत, आपके बाल हाथ फंस जाएंगे उसमें, घुंघराले बाल है उसके। एनीवेज, बड़ा मजा आता है आप सबको खेलते हुए, आप गर्व हैं हमारे भारत। हार्दिक, सुरेश और शिखर तो चलो शादीशुदा हैं, बच्चे भी हो गए, भाभी सामने बैठी हैं, आपकी अभी काफी सिंगल ही चल रहा है काम, वही बाकी हमें पता नहीं। सिंगल ही है, जो चल रहा है वो सही चल रहा है। आप जब बाहर जाते हैं फॉरेन कभी मैच खेलने, तो मैच खेल के उसके बाद सीधा होटल ही आते हैं कहीं और भी, मतलब? नहीं, मैं होटल ही जाता हूं। नजरें झुक गई हैं उसकी पूरी तरह से। नहीं, थोड़ा शाही है। शाही होते हैं लेकिन जब आदमी अकेला होता है जाते बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो अकेला जाते हैं कि लवी डवी जाते हैं? अब ये अभी वहां जाके कोई मिल गया तो पता नहीं, जाते तो अकेला। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का इस रोमांच रोमांस और सस्पेंस से खचाखच खाली शो में स्वागत है, जिसका नाम है के भैल करोड़पति। सुरेश रैना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। शिखर धवन जी, आपका सुरेश रैना स्वागत है। और हार्दिक पांड्या जी, आपके लिए हमारे पास तीन शब्द हैं, आई लव धोखा। आपके प्यार में हम धोखा खा सकते हैं। ये धोखा नहीं, ढोकला खाना चाहती है, खाने के अलावा इसे और कुछ सोचता ही नहीं है। देखिए, जो भी खाना है अपने बाप का ही खाते हैं, आपके बाप का तो नहीं खाते। बाप पे मत जाओ। मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरा अच्छे से इंट्रो दो। ठीक है, कर देते हैं। ये हैं सरला गुलाटी, ये एक्सपर्ट हैं लेकिन खाली बैठने में। ये तो इतनी ज्यादा एक्सपर्ट हैं कि कभी कोई पेन ड्राइव में ऐसा 20 MB भी खाली होता है ना, उसमें भी बैठ जाती हैं। हेलो हेलो, अपना मलिंगा साहब। हाँ जी, कैसे आप? अच्छा, ये जो आप बॉल फेंकते हो, ये सिर्फ पिच पे फेंकते हो? नहीं, किसी के मुंह पे 10 ओवर फिकवाने थे मुझे। मुंह पे ओवर कौन फिकवाता है? तो ये क्रिकेट किट जैसा मुंह लेके कौन आता है? वाह वाह, मैं आप तीनों को देख के इतना मजा आ रहा है, आज आप यहाँ पे आए, अब सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आएगी। बहुत दिनों से आईपीएल आ रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक आईपीएल में धुआंधार परफॉर्मेंस देने के लिए। वैसे सिद्धू साहब, मैं शिकार खेलने गया था, बहुत सारे डायनासोर मार दिए मैंने। रुक जाइए रुक जाइए, डायनासोर होते ही नहीं। हाँ, तो मैंने सारे मार दिए तो होंगे कहाँ से। मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ। अरे काय के शिकारी, हम बेकार का बात करते हैं। ये कुत्ता देखते हैं तो गीली बिल्ली बन जाते हैं। एक मिनट, गीली बिल्ली नहीं, भीगी बिल्ली होती है। हाँ, तो भीगने के बाद गीली होती है, सूख जाती है। अच्छा, आप चलो बोनी करते हैं। सबसे पहला सवाल, दुनिया में सबसे पहला मैच कहाँ खेला गया? स्टेडियम में। मैच जीत गया। ये इंसान बेकार का बात करता रहेगा, इसके बात पे ध्यान देने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, इधर देखना एक मिनट, बिल्कुल मजा नहीं आया मुंह देख के। हो गया आपका? हाँ। तो अभी हम खेला शुरू करते हैं। खेला शुरू करने से पहले एक बार शमा रोशन कर देते हैं। तो शमा कहाँ है, जरा खड़ी हो जाओ। ये रही, देखिए शमा यहाँ पर है। ये लीजिए, ये हमने शमा को रोशन कर दिया है। अब हम खेला शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पहला सवाल। मेरा फोन कहाँ है? ऑप्शन तो दो। अरे मैं सवाल नहीं, मेरा फोन कहाँ, मिल नहीं रहा मुझे मेरा फोन। पहले बेटा खरीदो, फिर मिलेगा तुम्हें फोन, झूठ बोलती है इधर आके।
अरे फोन लेने के चक्कर में झूठ बोली जा रही है, गेम बंद करो, ये औरत किसी को इनाम नहीं देती, झूठ बोलती है ये। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप खेलिए ठीक से, आपको इनाम मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये हमारा वचन है और हमारा वचन ही है शासन। और 40 चपातियां एक बाल्टी दाल इसका राशन है। इस औरत का कोई स्टैंड नहीं है, ये देखो तुम्हारा मुंह गिर गया। हमारा मुंह कहाँ, देखो नीचे कहाँ गिर गया। चलो अब हम खेलेंगे, अब मैं खेलूंगा। सवाल है जनरल नॉलेज का, तो हाशिम आमला, मजा आ गया नाम लेके। हाशिम आमला कहाँ का है बताइए? साउथ अफ्रीका। झूठ, हाशिम का मुझे पता नहीं, आमला बाबा रामदेव का है। अब खेलते हैं पैसे के लिए। अगला सवाल 2 करोड़ रुपए के लिए। लेग बाई कैसी होती है? ऑप्शन ए टाटा बाई बाई जैसी, ऑप्शन बी बजरंगी भाईजान जैसी, ऑप्शन सी 21 और 23 के बीच आने वाली बाई जैसी, या ऑप्शन डी को पावर्ड बाई। बजरंगी भाई जान, वेरी गुड, आप जीत गए। ये लीजिए 2 करोड़ रुपए का चेक, साइन करके हमें दे दीजिए। अरे हालात बहुत खराब चल रहे हैं। क्या साइन करा रहे हैं आप? सबसे पहले उस आदमी का साइन लेकर आइए जिसने हमारे हाथ पे ये लिख दिया है, इतना कड़क हाथ, नाश्ते में पत्थर खाती हो क्या? ये तो कुछ भी नहीं, सिद्धू साहब उस दिन जू में गई, ये हिप्पो गुस्सा कर गया, कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई 2 हाथों पे चलने की। अगला सवाल 3 करोड़ रुपए के लिए। एक सेकंड चाचा जी, आप ये 3 करोड़ कहाँ से देंगे? आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैं 4 किडनी बेच दूंगा। किडनी दो ही होता है। मैं तुम दोनों की बेचूंगा। अच्छा किडनी से एक सवाल याद आया, अगर हार्ट पड़ता नहीं है तो फेल कैसे हो जाता है? मैं बताती हूँ। अरे तुम नहीं बताती नहीं हो, तुम गुलाटी हो बार बार। अरे मैं जवाब देती हूँ, क्या मतलब है, सल्ला गुलाटी हूँ लेकिन मैं जवाब दूंगी। अरे हाँ, हार्ट इसलिए फेल होता है क्योंकि पास होके कौन सा उसे कलेक्टर बनना है, इसलिए फेल हो जाता है। वाह क्या जवाब दिया है, इनाम में तुम्हें मिलती है पूरी एग्जिट, चलो ले जाओ, जाओ जाके मेहमानों के लिए चाय वगैरह लेके आओ, चलो। अब क्रिकेट से रिलेटेड एक सवाल, चौका जो होता है छक्के से छोटा होता है तो वो छक्के को क्या कह के बुलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बड़े भैया, ऑप्शन बी बाबूजी, सी बहुत उड़ रहे हो आजकल, डी नीचे आओ बात करेंगे। लेकिन सच में हम आपको बताएं, आप जवाब मिले ना मिले लेकिन इनाम में आपको मिलती हैं हम। तो बताइए क्या फेरे लेंगे कि भाग के शादी करेंगे, कोर्ट में शादी करेंगे, कैसे होगा ये? एक मिनट, ये सिंगल तो यही है। तुम एक हो वो 3 है। हाँ लेकिन ये ऐसा इनको आदत है, एक आदमी तीन तीन चार चार पांच पांच आदमी एक बॉल के पीछे भागते हैं, इनको तो आदत है, चलता है। हाँ तो वो एक क्रिकेट बॉल के पीछे भागते, फुटबॉल के पीछे नहीं। मुझसे बात करने दो। हार्दिक मैंने आपके लिए अदरक वाली चाय बनाई है। थैंक यू सो मच। वैसे हार्दिक आपने ना मुझे क्लीन बोल कर दिया है तो मैं आपकी गुगली बनना चाहती हूँ। मतलब रुक जाइए, ज्यादा इतना खुश होने का जरूरत नहीं है, हार्दिक के ऊपर रुमाल हम पहले से रख चुके हैं, ऐसा नहीं होगा। एक सेकंड, हार्दिक जो है ना वो ट्रेन का सीट नहीं है जो तुम रुमाल रख के रिजर्व कर दो। अच्छा बारिश हो गई, शादी ड्रॉ, इस शादी में डकवर्थ लुईस रूल लग गया है। संतोष और तुम्हें मैरिज की जरूरत भी नहीं, तुम्हें गैरेज की जरूरत है, चलो निकलो यहाँ से। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, एक मजेदार सवाल हो रहा है। नो बॉल का ऑपोजिट क्या होता है? यस बॉल। नहीं, डोंट नो बॉल। मैजिक। अब लोगों का मूड ठीक करने के लिए अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए। कैप्टन ने विकेट कीपर को बॉल दी तो जिसने बॉल ली उसको क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ब्रेटली, ऑप्शन बी डेनिस ली ली, ऑप्शन सी ब्रूस ली, ऑप्शन डी ली ली नहीं ली नहीं ली। ली नहीं ली वो वाला, डी वाला अच्छा था, ऑप्शन डी, डी वाला लॉक किया जाए। बिल्कुल आप जीत गए हैं 4 करोड़ रुपया, ये लीजिए 1 करोड़ के 4 नोट।
ये 4 करोड़ रुपए हुए आपके, बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या क्या दे रहा है, 1-1 करोड़ का कोई नोट नहीं होता है, सब नकली है। मैंने अपने हाथों से छापा है, नकली कैसे हो सकता है। इसके चक्कर में मैं जेल भी जा गया हूँ। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ रैना साहब, जैसे आपने दाढ़ी कटवाई तो आपकी वाइफ आपको पहचान गई थी? क्योंकि मैंने जब अपनी अपनी वाइफ की मूछें कटवाई मैं पहचान नहीं पाया था। तो उनको क्या महसूस हुआ था जब आपने ब्रेक द पीरियड किया? नहीं अच्छा लगा सर, और बेटी भी रहती है साथ में, जब उसको गोदी में लेते हैं तो दाढ़ी रहती है तो थोड़ा उसको मुश्किल होता है, बट अच्छा क्लीन शेव लुक है तो डेफिनेटली अच्छा लगा है उसको। बहुत जोरदार तालियां हमारे सारे प्लेयर्स के लिए। पाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे मिलके, बहुत दिनों बाद। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू सुरेश पाजी, थैंक यू पाजी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर मैचेस, फ्यूचर मैचेस। सर हम ना हमेशा अपनी मजेदार ऑडियंस में से किसी ना किसी को एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं, तो सुरेश भाई आपके जो पड़ोसी आए जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत अच्छा लगा आप वहां से आए, आइए आप, हालांकि हमारे लिए कुछ नहीं लाए लेकिन हम आपको एक खूबसूरत सा सर एक सेल्फी आप सबके साथ।